10-12 साल मैं स्टेज च कम किया, छोटी छोटी एंट्रियां करता रहा। उस तो बाद मैं लाहौरों बाहर चला गया, बीमारियां लग गई, खून की उल्टियां आ गई, मैंने टीबी हो गई। बचपन जी असं छोटे छोटे सा गरीब सा, मेरी वाइफ किसी जगह से खड़ी होकर बिस्कुट बेचती सी। एस एस तरह के लोग आते सन कि कहते सन मेरे को 2,000 लै ला, 5,000 लै ला, मेरे नाल तू ए कर ला। अल्लाह ने मैनू दो रस्ते विखाए ने, एक कि यार तू अपनी बीवी के जरिए कमा सकना, ते दूसरा कि मेरे आले पासे आ। सब तो वड्डी एक्टिंग होवे कि अपना बाप अपने बच्चियां नू हक लाल दी रोटी खमावे, सब नाल वड्डी एक्टिंग है वे। एक रोटी दी कदर मेरे तो वध कोई नहीं जान सकदा। है मेरी बेटी है, मैं चार पाई दसदा ते अपनी मां नू कहंदी है अम्मी भुख लगी मैनू रोटी दे, ते मैं नाल दे कोल ना रोटी लैवां। यकीन करो कि मैं कंध दे नाल टकरा मार मार के रोया कि अल्लाह ए की माजरा है, ए मेरे च अज इन्नी ताकत नहीं कि मैं अपनी धी नू रोटी खवा सकां, और रोटी ते इक कुत्ते नू भी पा दी दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल, और आज मेरे साथ एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने 12-13 साल स्टेज को दिए, आउटडोर बहुत सी जगह पर काम किया, लेकिन जिंदगी तब भी अच्छी नहीं थी। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए तब भी लाहौर से बाहर जाकर काम किया। एक्टिंग का शौक था, स्टेज का शौक था, अपना शौक पूरा करने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज अपने दो बच्चों के साथ सड़क पर कुछ चीजें लेकर बैठी होती हैं और वो चीजें बेचने पर मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों हमारे मुल्क में होता है कि जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कोई करने को काम है, उसको हमारे मुल्क में बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती है, उसके टैलेंट को इतना दबा दिया जाता है कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। हमारे साथ आज रंगीला साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना काम करने के बावजूद भी आज तक इनको कभी किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बाजी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने साल आपने स्टेज को टाइम दिया, आउटडोर काम किया, लाहौर में भी किया होगा कभी ना कभी, तो आज इस तरह की ज़िंदगी कि आप रोड पर बच्चों के साथ बैठे हैं, क्यों? बजी मैं पंजाबी गल करना चाहता हाँ, तुसी पंजाबी करो, मैंने भी आंदी है। हाँ, वो वजह है कि मैं पढ़िया लिखा नहीं। कोई मसला नहीं, तुसी पंजाबी करो। 10-12 साल मैं स्टेज कम किया, क्राउन थिएटर गढ़ी शो उत्तों शुरू किया मैं स्टार्टिंग, छोटी छोटी एंट्रियां करता रहा। उस तो बाद मैं लाहौरों बाहर चला गया, उत्थे ज़्यादातर मैं जलालपुर पीरा च किया है, मुल्तान वाले साइड से। उस तो बाद बीमारियां लग गई, खून की उल्टियां आ गई, मैंने टीबी हो गई। कुछ बचपन जी असं छोटे छोटे सा गरीब सा, जद कि मैं पिछली वीडियो भी दसिया कि मेरी वालदा है, अल्लाह पाक उन्हां दी जिंदगी करे, अज मैं जो कुछ भी हाँ मैं अपनी वालदा की वजह तो, ठीक है। तो मेरी वाइफ उस बाद शादी हो गई। ने कैसे परवरिश की आप लोगों? मेरी माँ ने बस इस तरीके परवरिश की है कि मैं दसद हो इस टाइम तकलीफ होंगी है, मैं बयान नहीं करना चाहता। एक रोटी की कदर मेरे तो वध कोई नहीं जान सकता कि एक रोटी की कदर है। अगर मैं खोल के गल दसा तो मैं नहीं दस सकता कि मेरे अल्लाह का फरमान है कि मैं सत हर बंदे का पर्दा रखना, तो तू क्यों नहीं रखता? लेकिन गल ये मेरी माँ अपने 5 बच्चे जवान करने वास्ते बहुत कुछ करना पे है। ते ए दुनिया दे विच कोई ऐसा बंदा नहीं सी जिहड़ा सानू रजा सकता या रोटी एक टाइम दी खवा सकता। ते ओहो ही टाइम अज मेरे बच्चियां ते आया होया कि मेरी वालदा ने जवान किया, मैं कोर्ट मैरिज शादी कर ली, अल्लाह पाक ने मैनू हीरे वर्गी धी दित्ती। मैं उस तो बाद बीमार अते फेफड़े मेरे खत्म हो गए ने, हैपेटाइटिस बी भी है, दिल का अटैक भी हो चुके है, साह का मरीज हाँ मैं। तो बस इस रोड के उत्ते बिस्कुट मास वेच के ते इन्हां बच्चियां से मैं कर रहा, और 7-8 साल मैनू हो गए ने यह काम करदे। इस तो फिर मैं पिछली सर्दियों के बीमार हो गया, मेरी वाइफ अल्लाह ताला इहदी जिंदगी करे खानदानी औरत है, ये किसी जगह पर खड़ी होकर बिस्कुट बेचती सी, तो उत्थे एस एस तरह के लोग आते सन कि वह इनू कहते सर मेरे को 2,000 लै ला, 5,000 लै ला, मेरे नाल तू ए कर ला, कोई लंबर दे जाते सन। इन्हें आके फिर मैनू दसिया कि इमरान मैनू लोग कह रहे हैं, तो मैं इनू कहा कि यार ए तस्बीह कर, अल्लाह की 50 रुपये तस्बीह लै, अल्लाह का जिक्र कर, औज़ बिल्लाह ही मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अजीम हो या रहीम हो, या अल्लाह तू रहम कर, या अल्लाह तू करम कर। वह करम करने वाला है, मैं कह यदा विरत रख, जिहड़ा तैनूं कहिंदा है उहदे मूंह ते थप्पड़ मार, अपनी इज्जत बचा। ते इस लई कीता इहने, उस दे बावजूद भी लोग इहदी इज्जत नूं खराब करना चाहे ने। फिर अखीर मैनूं अल्लाह ताला ने
थोड़ी तंदुरुस्ती दी है। मैं फिर आप वेख रहे हो तुम मेरे रोड से वेखे कि मैं किस हाल चा किस पोजिशन चा मेरा आखिरी टाइम चल रहा है। अफसोस इस चीज़ का कि नबी पाक का फरमान है कि धियाँ एक नेमत है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि मेरी धी क्यों आई, मैं कहना शुक्र अल्लाह का अलहमदुल्ला अज औखा टाइम है तो कल सौखा भी आ जाएगा। तो दूसरी गल है कि एक्टर की कोई जिंदगी नहीं, एक्टर नू बड़े मशक्कत करनी पैंदी है, ठीक है। हाँ कुछ ऐसिया औरतों ने कुछ ऐसिया हिरवन ने जड़िया इस चीज़ को शौक समझ के कर दी हैं, तो कुछ ऐसिया भी ने जड़िया वो सिर्फ अपना जिसम दिखाना चाहती हैं, ठीक है। तो अजकल का दौर है कि जिन्हें जिस औरत ने जिसम दिखा दिता तो उन वाह वाह पैसा, तो जिहड़ी बेचारी अपनी इज्जत छुपाना चाहती है मेरे वगर मजबूर है उन्होंने बैकसाइड से सुट दें कि चल जा भी, तो फिर वो की करती है, वो फिर यह कुछ करेगी बच्चे हो गए मजबूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने स्टेज पर काम किया तो कितना आप कमा लेते हो? बाजी गल पता की है, गल फिर उतें पंजाबी आ जाती है कि जिस तरह कि मैं तुम्हें दसिया कि औरत जी है ना वो जी चाहती है ना कि मैं शौक पूरा करा या एक दिल के एक्टर हूँ, मेरे अंदर एक बचपानी एक्टर है, ठीक है। तो अज तक मैं वहाना चाहिए लेकिन मैं किसी ने देखे ही नहीं, तो इस करके मैं आउटडोर चला गया, ठीक है। तो माशाल्लाह अच्छे एक्टर ने सारे ने मेरे नालों वड्डे ने, मैं तो उन्होंने पैरों की जुती भी नहीं, लेकिन मैं अपना एक्टर वहाना चाहिए पर किसी ने देखना नहीं चाहिए। छोटी छोटी एंट्रियां देख तो मैंने कहा चल भी निकल जा। जो जवान सी जो ये काम शुरू किया उस टाइम नहीं कोशिश की थी कि कोई होर काम कर लवा नाल, चलो ये तो एक शौक सी ना कि अदाकारी करनी है या स्टेज पर काम करना है, लेकिन उस टाइम तो अल्लाह ने सेहत भी दी हुई सी, उस टाइम नहीं सोचा कि चलो नाल कोई होर काम भी शुरू कर लवा कल बच्चों लिए बीवी लिए बेहतर हो जाएगा। बाजी मैं पता की कहना चाहना, मैं ना अपने प्यो नूं गलत कहना चाहना तो ना मैं अपनी वालदा नूं, वो मेरा प्यो है उन्हें शादी कर ली मेरी 8 साल एज सी, मेरी माँ ने सानू हजे तक उन्हें तलाक नहीं दिती, तो वो लोगों के बर्तन हजे तक मांज रही है। ऐ मेरा अंदर खत्म होया ना, मैं तुहानू पिट के नहीं मार सकता ऐ स्मोकिंग कर करके अपनी वालदा की टेंशन लै लैके कि यार ऐश 8 साल तो लैके अगर एक्टर अंदर बढ़िया रहा है ना तो माँ का दुख पहले। मैं वो काम किया मैं रूढ़ियाँ के कागज़ तक भी चुके ने सिर्फ कि यार मेरी माँ है ये लोगों के अगे हाथ ना फैलाए और उन्हें मेहनत की है, उसके बावजूद भी सिगरेट पी पी के मेरा अंदर खत्म हो गया है। अज मेरे को आती है मैं उन्होंने जो हों मैं उन्होंने खिदमत करना, और यकीन करो कि पिछे उन्होंने डेंगू होया 3 दिन हुए ने मेरे घर आए ने, वो मेरे आके झोली च सिर रख के रोन लग पे ने, वो मेरे को कोई जवाब ही नहीं कि मैं यार इन्हू की जवाब दिया, वो मैं आप इस काबिल नहीं कि मैं अपनी दवाई लिया सकाँ। लेकिन फिर भी मेरे को जो हो सके मैं अपनी माँ से किया, तो खुदारा जे दुनिया से कामयाबी लैनी है तो अपने माँ बाप का फरमादार बनो। ऐ कुछ नहीं पिया दुनिया से, अल्लाह ने मैनू दो रस्ते विखाए ने, एक कि यार तू अपनी बीवी के जरिए कमा सकना, तो दूसरा कि मेरे वाले पास आ। लेकिन इस रंगीले की आवाज़ ये वे कि मैं अल्लाह वाले पास जाना, मैं दूसरे पास नहीं जाना, चाहे मेरे सह मुक जा। माशाल्लाह भी छोटी है, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़? बाजी इन्हों पढ़ाने की मेरी एक सोच सी, मैं ये चाहना कि मेरा बेटा हाफ़िज़े कुरान बने, ऐ मेरी बेटी ऐ पढ़े लिखे इस पाकिस्तान का नाँ रोशन करे, मेरे अंगर एक्टर ना बनन। एक्टर कुछ भी नहीं है, एक्टर कुछ भी नहीं, ऐ सब झूठिया गल्ला ने। सब तो वड्डी एक्टिंग होवे कि अपना बाप अपने बच्चों नू हक लाल दी रोटी खवावे ते खवावे, सब नाल वड्डी एक्टिंग है वे, ऐ एक्टिंग नहीं कि अपना अजैशी कर ली बच्चे सड़कों पर रो रहे ने ते कुछ नशे च लग रहा है, कोई बेटी तो इज्जत उचल रही है। बच्चे ख्वाहिश तो करते होंगे कि अबू ऐ चाहिए, छोटे बच्चे ने ख्वाहिश तो कर। बाजी है मेरी बेटी है, मैं पिछली वीडियो भी दसिया कि एक दिन मैं चारपाई दसा तो मेरे अपनी माँ को कहती है अम्मी भुख लगी है तो मैं रोटी दे, ते मैं नाल दे कोलों ना रोटी लै आवां, तो यकीन करो कि मैं कंध के नाल टकरा मार मार के रोया कि याला ए की माजरा है, ए मेरे चाहे इन्नी ताकत नहीं कि मैं अपनी धी नूं रोटी खवा सकां।
तो इन्हें कहा, मेरी वाइफ ने कहा नहीं पुत्र रहन दे। अगले कहे एक्टर की धी हो गए तो लोग अगल मंगती फिर खाने वास्ते, और रोटी तो एक कुत्ते भी पा दे दी। लेकिन मैं सिर्फ यही गल कहांगा कि नंबर वन मेरे अल्लाह की जात जिहड़ी अज तक मेरे बच्चों भी खवा रही है तो मैनू भी खवा रही मेरी दवाइया दारू, ये मेरा अल्लाह पूरा कर रहा है। अदाकारों के लिए ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि जो अदाकार इंडस्ट्री छोड़ दें, स्टेज छोड़ दें या इस हाल में पहुंच जाएं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सके, उनके बच्चों के लिए, उनके अहले खाना के लिए, कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जी? बिल्कुल ऐसा कोई निज़ाम भी नहीं है कि जो बेचारा मेरे वर्गा एक्टर वो किसी कुछ बहाना चाहे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि सामने आवे। ठीक है, तो वाह जा पुठिया सीधी गलत हर बंद आदि है, मेरा बेटा है, अगर मैं गलत गल करवा जुगत गलत तो मैंने कहना तो तू 500 सुनाएगा, लेकिन अपने चेहरे वाला हसाना ही है, यह किसी किसी का काम है। घर अपना है, आप जिधर रहते हैं कहाँ पे रहते हैं आप? अभी बच्चों को लेके सड़क पर हैं आप, किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, घर कहाँ पर है? बाजी मेरा घर है पेप्सी स्टॉप, उत्थे 3500 रुपया किराया है, तो छोटा जहा एक कमरा है, बस कमरा ना होया वर्गा, लेकिन मेरे वास्ते अल्लाह का शुक्र है ठीक है, क्योंकि जिस तरह की मेरी पोजीशन है ना 3500 रुपया मेरे से बड़ा पहाड़ है, लेकिन अल्लाह का मैं जिक्र करांगा तो मेरे से कोई पहाड़ नहीं। ठीक है, मेरी सोच मेरा ख्याल ये है कि मैं अपने बच्चों मरण तो पहले पहले इन्होंने कोई 5-4 लाख का मकान बना दें, भावें अद्धा मरला ही हो। सारा दिन आपके साथ इसी तरह सड़क पर होते हैं? हाँ भाजी, बस इस तरह ही, मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी इस तरह मेरे नाल नाल ही बेचारे 7-8 साल हो गए ने, 6 महीने दी सी जदों से आपके साथ है, ए मेरे नाल सी मोटरसाइकिल जामा सी, ए हार रोड मार रोड हर जगह ते मैं लै लैके इन्हों बैठा वा। ठीक है, तो मेरे ते तनजा भी बड़िया हुई हैं क्योंकि वजह से। हाँ जी, तेन अदारे वाले लै जाएंगे इंज हो जाएगा, मैं कह यार लै जो मैनू भी लै जो, एक मैं एक्टर आदमी हाँ तो मेरे सड़कों पर रुलंदे हैं उतो तुम मैं तंग करते जा के, फिर मैंने किसी ने कहा यार तू अपनी चीज़ा चूजा बेच तो अल्लाह का जिक्र कर किसी वे साढ़े वड्या ने आख्या बजुर्ग सन, मैं जेन च रखी गल तो बस टुर रहा वा। इतने साल स्टेज को देने के बावजूद भी आज ये आदमी अपने दो बच्चों के साथ सड़क पर बैठा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रियासत तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोग भी इसके जिम्मेदार हैं जिनको इस तरह के लोग नजर आते हैं और हम लोग उनको दरगुजर करते हैं, क्योंकि हम लोगों के अपने ही पेट नहीं भरते। जब हम लोगों के अपने ही पेट नहीं भरेंगे तो हम किसी के बारे में क्या सोचेंगे? हम लोगों को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में से किया है, और फिर भी अगर हम इनको नहीं दे रहे तो वो लोग फिर भी अल्लाह के शुक्र गुजार और हर वक्त अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है तो भी शुक्र है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस फैमिली की मदद कीजिए, ये अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो रियासत तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन हम लोग ज़रूर ले सकते हैं। जितने लोगों ने अब तक हेल्प किया लोगों की, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस फैमिली की मदद कीजिए। आगे सर्दियों के दिन आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे अपने बाप के साथ सर्दियों की सर्द रातों में इस तरह से सड़क पे बैठें, मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने घर में बैठें अपने बच्चों के साथ, और जितना हम लोगों से हो सके हम इनकी मदद करें, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और खुदारा सिर्फ इसीलिए कीजिएगा कि आप लोगों ने इनकी मदद करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।